हे गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम, है ना गाइस। तो जैसे कि आपको पता है, उमंग 2.0 के अंदर वी आर कवरिंग द एंटायर एनसीईआरटी सिलेबस ऑन आवर फेवरेट चैनल, दैट इज वेदांतु 9th एंड 10th, राइट गाइस। अभी हम व्हाई डू वी फॉल इल कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ क्लास 9th, जिसमें कि हम एक सेशन ऑलरेडी कर चुके, तो प्लीज गो एंड वॉच इट। तो टुडे वी आर गोना मूव फॉरवर्ड एंड डू द सेकेंड सेशन ऑफ व्हाई डू वी फॉल इन। ओके, वेरी गुड, है ना। लिटिल मोटिवेशन का थोड़ा मोटिवेशन कोट देखते हैं। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। ओके, सो दैट इज व्हाई व्हाट आर वी डूइंग इज वी आर डूइंग एवरी डे थोड़ा 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 करके वी आर स्टडिंग द सिलेबस ऑफ क्लास 9th, सो दैट व्हेन द एग्जाम कम्स यू आर रेडी फॉर इट। ओके गाइस, वी ऑल नो दैट योर स्कूल्स आर नॉट हैपनिंग, है ना, सो यू आर डिपेंडेंट मोस्टली ऑन द ऑनलाइन मीडियम फॉर एजुकेशन। तो गाइस, हियर एट वेदांतु वी विल प्रोवाइड यू विद द बेस्ट एजुकेशन पॉसिबल। ओके, सो ऑन दैट नोट गाइस, इन द लास्ट क्लास आई हैड गिवन यू सम होमवर्क, है ना, फाइव कंटीजियस डिसीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स। ये मैंने होमवर्क दिया था, है ना। आई हैव गॉट मेनी रेस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस। फॉर एग्जाम्पल लीनिया, है ना, लीनिया हैड गिवन सर टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, एलिफेंटियासिस सर, है ना। एंड थैंक यू लीनिया फॉर टेलिंग अस, यू नो, सेशन वॉज ऑसम, थैंक यू लीनिया फॉर योर कमेंट। देन सुमंती ऑल्सो हैड गिवन द आंसर गाइस, अगेन मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, एड्स एंड टाइफॉइड, राइट। तो एग्जैक्टली गाइज, दीज आर द कॉजेट डिसीजेज, है ना, विच आर वेरी कॉमन, यू वुड हैव हर्ड ऑफ इट्स, कह रहे हो आपने सुना ही होगा, ठीक है। एंड देयर कॉजेट, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। निमोनिया, है ना, डिप्लोकॉकस निमोनिया, इट्स ऑल्सो अ बैक्टीरिया। चिकन पॉक्स इज बिकॉज ऑफ अ वायरस, कोल्ड इज बिकॉज ऑफ अ वायरस, डिप्थीरिया इज बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरिया। यू लाइक सर, ये नाम तो बहुत ही डेंजरस हैं, हाउ विल आई लर्न इट? बट आई डोंट नीड टू लर्न अभी के लिए, है ना, थोड़े से पता होने चाहिए आपको एटलीस्ट सम डिसीजेस और उनको कौन कॉज करता है, वो मैं बताऊंगा कि आपको क्या याद करने हैं, ठीक है। अभी बस ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको पता चले कि डिसीज क्या होता है एंड हाउ दे आर कॉज, ठीक है, ये उसके लिए था। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, व्हाट वी विल डू टुडे, सर आज क्या करेंगे बेटा? आज हम पढ़ेंगे मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज इन ऑर्गन एंड टिश्यू। मतलब डिसीज कैसे मैनिफेस्टेशन, मतलब रहना, मतलब मैनिफेस्टेशन मतलब वहाँ पे जाके ऑक्यूपाई कर लेना, डिसीज कैसे मेरे ऑर्गन और टिश्यूज को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, है ना। हम ट्रीटमेंट कहते हैं सर, वो ट्रीटमेंट होता क्या है, मतलब डॉक्टर हमें किस बेसिस पे ट्रीट करते हैं, और सर प्रिवेंशन सर, हाउ डू वी प्रिवेंट द डिसीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। बिकॉज इन केस ऑफ कोरोना आपको बताया होगा कि ना, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यूज सैनिटाइजर्स, ये सब प्रिवेंशन के हैं। तो ये प्रिवेंशन का प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, हाउ डज इट वर्क, लेट अस टॉक अबाउट इट, है ना। ग्रेट जॉब गाइस, गाइस लेट मी टेल यू अबाउट सर्टेन सम थिंग्स। ओके, दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच इंडिविजुअल फेस इन ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। वेदांतु ने आइडेंटिफाई करा है कि ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, बच्चों के डाउट सॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन में। जैसे कि अभी आप स्कूल नहीं जा रहे हो, स्कूल्स वगैरह बंद हैं, तो गाइस हो क्या रहा है, आप क्यों क्या हो रहा है, आपके डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहे। जैसे कि यही वाला डाउट कि करिकुलम में क्या आएगा, कितना आएगा, क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है, सर सिलेबस को रिवाइज कैसे करें, तो ये सब डाउट्स गाइस आपके क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो दैट इज़ वन मेजर थिंग। यूट्यूब पे ऑल्सो गाइज, यू कैन नॉट आस्क मी क्वेश्चंस, ठीक है, मेरी वीडियोज आती हैं, एंड देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, कई बार कि हम लोग उनको पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते। सेकेंड थिंग गाइज, स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग नोट्स, सर नोट्स कहाँ से लाएं, है ना गाइज, कितने लोगों को दिक्कत है, नोट्स नहीं बन पा रहे, है ना। एंड इज माई नोट सफिशियंट, कोई वेरीफाई करने के लिए नहीं है आपके नोट्स को, ठीक है। थर्ड थिंग इज गाइस, सर टेस्ट असाइनमेंट्स, सर आई एम नॉट एबल टू जज माई सेल्फ कि मैं सही से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, एम आई ऑन द राइट ट्रैक, अगर गलत कर रहा हूँ तो हाउ डू आई इम्प्रूव, राइट। तो यू आर नॉट गेटिंग दैट इनपुट फ्रॉम द टीचर्स जनरली, जो आपको मिलता था स्कूल में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम सर, NTSC आ रहा है, आई एम नॉट श्योर कि उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। सर मैथमेटिक्स ओलंपियाड इज कमिंग, है ना, हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर दैट IMOE से, है ना। तो गाइस दीज थिंग्स आर द मेजर चैलेंजेस विच स्टूडेंट्स फेस, अपार्ट फ्रॉम दैट शेड्यूल और लैंग्वेज का भी रहता है कि सर इंग्लिश हिंदी या कब मैं पढ़ूँ। तो गाइस वेदांतु इज द वन शॉर्ट सोल्यूशन फॉर ऑल योर यू नो वरीज ऑफ एजुकेशन राइट नाउ, आई वुड टेल यू, ठीक है। बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसमें गाइस यू गेट ऑल योर डाउट सॉल्व इन द लाइव क्लास। अपार्ट फ्रॉम द टीचर देर आर टू मोर टीचर, और अगर क्लास 10 ज़्यादा होती है तो इवन आई हैव हैड 5 टीचर्स इन माई क्लास, मतलब 5 टीचर्स जो मेरी क्लास में है प्लस मी, 6 टीचर्स इन वन क्लास सॉल्विंग डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। आई एम टीचिंग दैट पैरेलली सॉल्विंग डाउट्स,
समझ रहे हो गाइस, आपका कोई डाउट अनआंसर्ड नहीं जाता। नोट्स, आपको सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जो भी मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, यू विल गेट ऑल दीज एज PDF, ठीक है। यू कैन गेट टेस्ट एंड असाइनमेंट, पीरियोडिक टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, देन मिड टर्म टेस्ट, है ना, टेस्ट जस्ट बिफोर द एग्जाम्स एंड क्रैश कोर्सेज बिफोर द एग्जाम, ठीक है। सेपरेट प्रिपरेशन फॉर गाइस NTSC, ठीक है, मैथमेटिक ओलंपियाड्स की जो एग्जाम स्पेसिफिक क्लासेस होती हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हो। देन गाइस देयर इज शेड्यूल, यू कैन चूज द शेड्यूल, यू कैन चूज द लैंग्वेज ऑल्सो। आर यू टू अंडरस्टैंड कितनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं ऑन वन एजुकेशन ऐप, दैट इज वेदांतु, ठीक है गाइस। पहले तो जितने बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं करा गाइस, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डाउनलोड द ऐप फर्स्ट। ऐप डाउनलोड करो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फ्री कंटेंट भी है, ठीक है, तो यू मेक यूज ऑफ दैट। जैसे कि मैंने बताया अनलिमिटेड लाइव क्लासेस गाइस, अगर आप वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो, एक होता है वेदांतु प्रो गाइस, दिस इज द अमेजिंग सब्सक्रिप्शन। जो भी मैंने यहां पे सारी चीजें बताई थी यू गेट अंडर द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, माइक्रो कोर्सेज होते हैं, मतलब चैप्टर वाइज कोर्सेज, मतलब जैसे कि लाइव प्रोसेस आपको पढ़ना है बस, तो गाइस जस्ट डू दैट कोर्स, चैप्टर वाइज कोर्स, यू कैन पे फॉर अ चैप्टर एंड यू नो लाइक स्टडी दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस देर इज यू नो हेरिडिट एंड एवोल्यूशन, आपको बस वही चैप्टर पढ़ना है और हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ना है, तो गाइस यू कैन टेक दैट कोर्स एंड जस्ट स्टडी एंड यू कैन गो ऑफ, ठीक है। टूवर्ड्स दी एंड क्रैश कोर्सेज होते हैं, आई बिलीव ये आपके गाइस मार्क्स 10-15 मार्क्स बूस्ट कर देंगे, आपकी जो नॉर्मल कोर्स स्कोर आ रहा होगा ना उसके ऊपर 10-15 मार्क्स तो डेफिनेटली आपका इंक्रीज होता ही होता है। उसके अलावा और क्या होता है सर, परफॉर्मेंस रिपोर्ट गाइस, मतलब कि आपके आपके में क्या प्रॉब्लम है, आप कहाँ पे डिफिकल्टी फेस कर, अच्छा फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो फिजिक्स में आपको पता चल जाएगा, हाँ यार फिजिक्स में इस चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम है, बायो में सर नंबर कम आ रहे हैं, बायो में इस टेस्ट में मेरे कम नंबर आए थे, तो दैट चैप्टर इज वीक फॉर यू, यू नीड टू फोकस ऑन दैट, ओके। सो गाइस इन दैट वे यू गेट मोर पर्सनलाइज अटेंशन ओवर देयर एट वेदांतु प्रो, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग सा सब्सक्रिप्शन है गाइस, वी कॉल यू एज प्रो स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो। सर ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं, बेटा गो टू दिस लिंक vdnt.in और YouTube Pro YT Pro, ठीक है। इसमें क्या होगा गाइस, यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे यू हैव टू सेलेक्ट योर ग्रेड, यू हैव टू सेलेक्ट योर यू नो क्या कहते हैं ICSE में हो या CBSE में हो, बोर्ड सेलेक्ट करते हो, देन यू कैन कम टू द पेमेंट साइड गाइस। आप एक मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 3 मंथ का या 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बट ऑब्वियसली सबसे बेनिफिशियल यही होता है गाइस, जैसे कि एक मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो यू विल गेट इट फॉर 2300 समथिंग, ठीक है। 3 मंथ का लोगे तो यू विल गेट फॉर 6000 समथिंग, बट 6 मंथ का लोगे गाइस यू विल गेट फॉर 9800 समथिंग। बट गाइस इसमें आपको ना मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और गाइस आज का स्पेशल पता है क्या, आज संडे है एंड कल रक्षाबंधन है, तो आज और कल क्या है, जनरली यू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 15% इफ यू यूज दिस कोड ARPRO, बट गाइस बिकॉज टुडे इज संडे एंड टुमारो इज रक्षाबंधन, आपको गाइस इन 2 दिन आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यू विल गेट अ 30% डिस्काउंट गाइस, डू टेक इट, ट्रस्ट मी, मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स वुड बी वांटिंग टू टेक इट, डू टेल देम, योर कजिन और योर रिलेटिव्स दे आर प्लानिंग टू टेक अ वेदांतु का कोर्स, डू आस्क टू टेक देम नाउ। जनरली 15% रहता है, व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग सो मच इज गाइस यू आर गेटिंग अ 30% डिस्काउंट, दैट इज डबल द डिस्काउंट विच यू वुड हैव गॉट नॉर्मली। एंड गाइज ऑब्वियसली गो फॉर अ 6 मंथ कोर्स गाइज, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो इन दोनों के बीच में ना देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 400 रुपीज पर मंथ, 400 और 300 to 400 रुपीज, मतलब 370 कुछ होता है पर मंथ, ठीक है। तो इट विल कम आउट टू अराउंड 1800 और 2400 के बीच में आता है, यू कैन सेव ऑन अ 6 मंथ कोर्स, ऑब्वियसली कैन टेक अ 3 मंथ और 1 मंथ कोर्स ऑल्सो, बट या ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सेविंग आपकी कम होगी, एवरी मंथ यू कैन सेव अराउंड 300 रुपीज इफ यू टेक अ 6 मंथ कोर्स। And me and Abhishek sir and other teachers were discussing, guys, this course comes at around 8 rupees per class. मतलब आप समझ रहे हो 8 रुपए every class. अगर आप ये वाला course लेते हो वेदांतु pro course, जिसमें कि आपको doubts मिलेगा, है ना, you can attend any of the class, you will get written notes, handwritten notes, you know, and access to other content. Apart from that, you can what was the other things? Yeah, you can, you know, do competitive exams, personalized attention. Main thing is, I would say personalized attention and doubt solving आपकी बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है guys? तो do take this course, I guess 9700 से भी कम में, I guess इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा on Saturday and Sunday, ठीक है, तो do take it guys, it will be very beneficial for you. Use the code ARPRO and get 30% discount only for the Sunday
एंड मंडे. ओके तो गाइज प्लीज टेल योर फ्रेंड्स एंड यू नो फैमिली या फिर आपके जो भी यू नो आपके कॉन्टैक्ट में हुआ ट्राई यू नो प्लानिंग टू टेक अ वेदांतु का कोर्स, दिस इज द राइट टाइम. ओके यस गाइज, सो लेट्स बिगिन द सेशन गाइज. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. फॉर एग्जाम्पल गाइज देखो देखो होता क्या है, वॉट डू मीन बाई डिसीज गाइज. डिसीज में क्या होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहा होता है, ठीक है ना, इट कम्स इन साइड माई बॉडी एंड स्टार्ट्स अ फैमिली देर और स्टार्ट्स यू नो सिविलाइजेशन देर. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी एक मेन डिसीज होता है, ठीक है. वो कैसे डिसीज कॉज करेगा, ट्यूबरक्लोसिस वाला बैक्टीरिया आया और वो मेरी बॉडी के अंदर चला गया, देन इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग इन साइड माई बॉडी एंड स्टार्ट्स अ सिविलाइजेशन, है ना. तो वॉट इज इट डूइंग गाइज, इट इज इन साइड माई बॉडी एंड इट इज यूजिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आई एम ईटिंग, तो इट विल मेक मी सिक, है ना. हमने देखा था ना, तो गाइज वी सॉ डिसीजेस कैन बी बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैन बी बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, मतलब मैं ढंग से खाना नहीं खाऊंगा तो, और तीसरा देखा था जेनेटिक. तो अभी हम इन दोनों की बात नहीं कर रहे, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द पैथोजन वाला डिसीज, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी के अंदर आ गया एंड आई एम गेटिंग सिक, आई गेट द डिसीज, है ना. तो ये क्यों होता है गाइस, फॉर एग्जाम्पल देखो देखो जब आप कई यू नो इन समर टाइम व्हाट वी डू इन दिल्ली इज हम लोग मनाली जाते हैं या कुल्लू मनाली जाते हैं, है ना, या फिर नैनीताल जाते हैं और दूसरे हिल स्टेशन जाते हैं. क्यों जाते हैं, क्योंकि गाइस देयर इट इज कूल, दिल्ली इज वेरी हॉट एट दैट टाइम एंड नैनीताल मनाली ऑल दीस पीपल प्लेसेस आर कूल, है ना. तो लाइक यू गाइज विल बी गोइंग टू नानीज प्लेस फॉर योर हॉलीडेज, राइट. लाइक वाइज ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, दे कम इन साइड माई बॉडी एंड दे हैव अ स्पेसिफिक लोकेशन वेयर दे लाइक टू स्टे, मतलब इनको एक पर्टिकुलर जगह होती है, जैसे कि मेरे को मनाली पसंद है, ठीक है. तो लाइक वाइज जो ट्यूबरक्लोसिस वाला बैक्टीरिया होता है उसको मेरे लंग्स पसंद होते हैं, माई लंग इज इट्स कुल्लू मनाली, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मलेरिया वाला पैरासाइट होता है प्रोटोजोआ, मलेरिया प्लास्मोडियम इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज द प्रोटोजोआ जो कि मुझे डिसीज कॉज करता है मलेरिया. तो इसको कौन सी जगह पसंद है, इट लाइक्स माई लिवर, इट लाइक्स माई यू नो आरबीसी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो मलेरिया वाले पैथोजन का कुल्लू मनाली क्या है, माई लिवर और माई यू नो आरबीसी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो लाइक वाइज हर किसी पैथोजन का एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है जहां पे वो जाके उसको वो अपनी फैमिली एस्टैब्लिश करता है. तो वी हैव गॉट दैट, ठीक है. तो वी से इट्स इधर ऑर्गन स्पेसिफिक और इट इज अ टिश्यू स्पेसिफिक, समझ आ रहा है. तो जो पर्टिकुलर डिसीज कॉजिंग एजेंट है इट गोज टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन और इट गोज टू अ पर्टिकुलर टिश्यू. ओके तो लेट अस टॉक अबाउट इट, है ना बेटा. और ह्यूमन बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था, दे आर यूजफुल माइक्रोब्स, है ना. वेरी गुड सर. एंड ऑल्सो गाइज दे हैव अ पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आर गोइंग टू कुल्लू लाइक फ्रॉम दिल्ली, यू नो वी कैन ईदर टेक अ कार, है ना, वी कैन ड्राइव देयर और यू कैन यू नो वी कैन टेक अ बस और अ ट्रेन. लाइक वाइज गाइज बैक्टीरिया दे हैव अ पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया माउथ से जाते हैं या फिर नोज से जाते हैं, है ना. फंगस क्या करते हैं, खाने से जा सकते हैं, दे कैन गो विद द फूड, हाथ में लग के जा सकते हैं, है ना. प्रोटोजोआ एक मस्कीटो लेके आता है, ये मस्कीटो है ना, मस्कीटो लेके आता है, दे कैन हॉप ऑन मस्कीटो और हमारी बॉडी में आ जाते हैं. पैरासाइट अगेन हाथों से हम खाना खाते हैं तो उसके थ्रू हमारे माउथ के थ्रू जा सकते हैं. तो गाइस देयर आर वेरियस एंट्री पॉइंट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझ रहे हो, है ना. ओके सर, है ना बेटा. माइक्रोस अक्वायर स्पेसिफिक ऑर्गन इन द बॉडी, जैसे कि मैंने बताया था इन सबका फेवरेट डेस्टिनेशन हॉलीडे डेस्टिनेशन होता है पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे कि बैक्टीरिया का, टीबी वाला बैक्टीरिया का, इसका हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है, माई लंग्स, ठीक है, है ना. देन हमारा जो कोरोना वाला वायरस है उसका क्या है, वो भी उसका भी लंग्स ही है, वो यू नो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कॉज करता है ना गाइज. प्रोटोजोआ जैसे कि मलेरिया वाला प्रोटोजोआ ये क्या करते हैं, इसका फेवरेट ऑर्गन है हमारा लिवर, है ना, लिवर में. तो दे हैव अ स्पेसिफिक ऑर्गन वेयर दे अटैक, है ना गाइस. एंड यू नो माई बॉडी इज लाइक अ मशीन एंड माई ऑर्गन्स आर लाइक पार्ट्स ऑफ द मशीन. अगर मेरा कोई पार्ट खराब होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके क्या करते हैं, वो उस ऑर्गन को खराब करते हैं, तो माई मशीन विल ऑब्वियसली बी खराब इवेंचुअली, है ना. तो वो करते हैं, राइट गाइस. फॉर एग्जाम्पल वायरस, है ना, सम पैथोजन शो डिफरेंस, लाइक जैसे कि वायरस, जैसे कि एच आई वी वाला वायरस होता है ना, जो कि एड्स डिसीज कॉज करता है, है ना बेटा. इट एंटर्स थ्रू सेक्शुअल ऑर्गन्स, मतलब इट एंटर्स थ्रू द पीनस और अ वेजाइना, राइट. इट एंटर्स थ्रू द सेक्शुअल ऑर्गन एंड स्प्रेड थ्रू द बॉडी,
हमने देखा बैक्टीरिया वगैरह माउथ या नोज से आ रहे हैं, है ना, कुछ सेक्सुअल ऑर्गन से भी अंतर आ जाते हैं, है ना। तो दिस आर द वेरियस एंट्री पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, ओके, जैसे कि मैंने बताया। और अब बॉडी में आने के बाद कहाँ जाते हैं, जैसे कि मलेरिया मैंने बताया था, मलेरिया मस्कीटो लेके आता है उसको, जैसे कि मलेरिया वाला ये मान लो मेरा मलेरिया वाला ना ये मस्कीटो है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है गाइस, ये मलेरिया कॉजिंग बैक प्रोटोजोआ। अब ये मस्कीटो क्या करेगा, दिस मस्कीटो विल इंट्रोड्यूस दिस प्रोटोजोआ इन माई बॉडी। अब मेरी बॉडी में आने के बाद ये कहाँ, ऐसे कहीं भी चले जाएंगे? नो, दे विल स्पेसिफिकली गो वेयर गाइस, लिवर में जाते हैं, दे गो टू द लिवर, क्योंकि वॉट, लिवर इज देयर फेवरेट डेस्टिनेशन। सिमिलरली एक होता है डिसीज कॉल्ड एज जापानीज एनसेफेलाइटिस, ये भी मस्कीटो बाइट से फैलता है, बट इनका डेस्टिनेशन क्या है, ये जाते हैं हमारे ब्रेन में। आफ्टर एंटरिंग माई बॉडी वेयर डज इट गो, इट गोज टू द ब्रेन। मलेरिया कहाँ जाता है, यहाँ पे जाता है लिवर में। तो दे हैव अ पर्टिकुलर लोकेशन वेयर दे गो एंड अटैक, है ना। एंट्री पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गन दे विल लिव इनसाइड, एंट्री पॉइंट ऑल्सो डिपेंड ऑन द ऑर्गन दैट दे विल डिपेंड। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, जो मेरे इंटेस्टाइन पे रहता है, जो बैक्टीरिया मेरे इंटेस्टाइन में रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा ना, मम्मी कहते हैं पेट में कीड़े लग जाएंगे, तो उसमें ऐसे वर्म होते हैं, ये इंटेस्टाइन में होते हैं, तो ये कहाँ से जाएंगे, ऑब्वियसली माउथ से जाएंगे, ताकि हमारे इंटेस्टाइन तक पहुँचे। ट्यूबरक्लोसिस वाला जो लंग्स तक पहुँचे, वो मोस्टली मेरे नोज से जाएगा, है ना, है ना। तो एंड जो सेक्सुअल ऑर्गन HIV वायरस, ये कहाँ जाता है, ये मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जाता है। तो आर यू टू अंडरस्टैंड गाइस, तो एंट्री पॉइंट के थ्रू हम समझ सकते हैं कि वो किस डेस्टिनेशन पे जाएगा, समझ रहे हो। मूविंग फॉरवर्ड, इफ लंग इज द ऑर्गन देयर एंट्री पॉइंट इज नोज, नोज से लंग में जाता है जनरली, है ना गाइस। और जैसे कि देख रहे हो टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, अब जैसे कि साइंस वगैरह भी, अब मान लो टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन मतलब किस टिश्यू में जाके वो रहता है, मैनिफेस्ट करना मतलब वहां पे जाके डेरा बसा लेना, ठीक है, घर बसा लेना। तो ये जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑर्गन दे आर इन्फेक्टिंग। अब साइन और सिम्टम्स कैसे होंगे, दे आर ऑल्सो डिपेंड ऑन द ऑर्गन दे आर। फॉर एग्जाम्पल मेरे लंग्स इन्फेक्टेड है, तो वॉट विल हैपन, आई विल स्टार्ट कफिंग, या फिर मेरी नोज बहने लगेगी, है ना, माई रेस्पिरेटरी सिस्टम इज बैड। इमेजिन माई लिवर इज बैड, वॉट विल हैपन, आई विल हैव फीवर, है ना। मलेरिया में क्या होता है, फीवर होता है बहुत सारा। देन इमेजिन माई ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, हेड एक होगा, वॉमिटिंग होगी, फिट्स एंड अनकॉन्शियसनेस, दीज आर ऑल द सिम्टम्स शोइंग कि हाँ भैया ब्रेन में कुछ दिक्कत है ना, आता माजी सटकली कुछ हो गया है ना ब्रेन में। मूविंग फॉरवर्ड, जनरल, अब कोई जनरल भी थोड़े से सिम्टम्स होते हैं, जनरल इन्फेस्टेशन भी होते हैं, जनरल मैनिफेस्टेशन सब, जनरली भी कुछ सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब गाइस स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग, इंटरनल स्वेलिंग, है ना। देयर माइट बी फीवर, गाइस व्हाट इज अ फीवर, फीवर इज अ सिम्टम कि आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन खराब है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गाड़ी में आवाज आती ना, तो हमें लगता है हाँ भैया कुछ प्रॉब्लम है, इसको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं। तो लाइक वाइज फीवर इज लाइक सिम्टम, इट सेज कि हाँ भैया कुछ प्रॉब्लम है, लेट्स गो टू द डॉक्टर। देयर माइट बी स्वेलिंग, है ना, देयर माइट बी पेन, गाइस स्वेलिंग मतलब आउटर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन मतलब इंटरनल टिश्यू में जो स्वेलिंग होती है। इन्फ्लेमेशन माइट नॉट बी विजिबल बट स्वेलिंग विल बी विजिबल, ठीक है। तो दीज आर द सिम्टम्स और दीज आर ऑल द थिंग्स विच शो कि हाँ भैया आपके बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव कम। अगेन सीवियरिटी ऑफ द डिसीज गाइस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। कम होंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी कॉजिंग कम डैमेज, बट दे आर मोर, दैट मीन्स दे आर कॉजिंग मोर डैमेज टू माई बॉडी, राइट। वेरी गुड सर, नाउ टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट गाइस, है ना। नाउ हाउ डू आई ट्रीट, ट्रीट कैसे करूँ। अब मेरे पास कोई, मैं डॉक्टर, मेरे पास कोई आया है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम, हाउ डू आई ट्रीट, गाइस पहली चीज मैं क्या करूँगा, आई विल ट्राई टू रिड्यूस हिज फीवर, आई विल ट्राई टू रिड्यूस हिज स्वेलिंग, आई कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, फर्स्ट थिंग विल बी दैट इमीडिएट। जैसे कि फर्स्ट एड करते हो ना, उसके बाद ही तो यू गो एंड स्टार्ट फिक्सिंग द मेन टिश्यूज, लाइक वाज आई विल ट्राई टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज। सेकेंड थिंग वॉट विल आई डू, आई ट्राई टू किल द कॉजिंग एजेंट, रूट कॉज को पहले मैं किल करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट थिंग इज रिड्यूस द फीवर, रिड्यूस द स्वेलिंग, रिड्यूस द पेन। सेकेंड थिंग इज किलिंग द पर्सन और किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज कॉजिंग दैट, है ना, रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप विल बी गाइस यू नो किलिंग द बैक्टीरिया यूजिंग सम एंटीबायोटिक और किलिंग द डिसीज कॉजिंग एजेंट यूजिंग सम यू नो मेडिसिन। मूविंग फॉरवर्ड, है ना, टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन गाइस, यू वुड हैव हर्ड राइट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो वाई इज इट गुड टू प्रिवेंट अ डिजीज, देयर आर थ्री रीजंस फॉर दैट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट ये तो जनरल आप लिख भी सकते हो खुद से। फर्स्ट थिंग इज गाइस,
है ना, अगर मान लो डिसीज हो जाती है तो समटाइम्स इट्स अ पॉसिबिलिटी यू माइट नॉट रिकवर कंप्लीटली, आप कंप्लीटली रिकवर ही नहीं कर पाओगे, ठीक, कई बार ये होता है, ठीक है। दूसरी चीज होती है, अगर आप डिसीज हो जाओगे तो यू माइट लूज टाइम, आपको घर पे रेस्ट करना पड़ेगा, यू माइट मिस स्कूल, अभी तो स्कूल मिस ही हो रहा है, ठीक है। तो जनरली यू माइट मिस योर वर्क, है ना, आप काम नहीं कर पाओगे, यू माइट मिस योर स्कूल क्लासेस, नोट्स वगैरह, जनरल केसेस में, ठीक है, कोरोना के हटा के। देन है ना, आप यू कैन बी अ सोर्स एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग द डिसीज, दैट इज वाई इट इज बेटर, है ना। कोरोना, इफ यू गेट अ कोरोना तो यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉन्ट बी एबल टू रिकवर प्रॉपरली, है ना। सेकेंड थिंग इज इट विल टेक अप योर टाइम, थर्ड थिंग यू विल बी सोर्स, यू विल स्टार्टिंग स्प्रेडिंग द कोरोना, तो इट इज बेटर टू प्रिवेंट। हाउ डू आई प्रिवेंट कोरोना? बाई वॉशिंग माई हैंड्स रेगुलरली, बाई वेयरिंग अ मास्क व्हेन एवर आई गो आउट, है ना, बाई अवॉइडिंग द क्राउडेड प्लेसेज, तो दैट इज क्वाइज प्रिवेंशन इज बेटर। दीज आर द थ्री रीजन्स वाई प्रिवेंशन इज बेटर। यू कैन नेवर रिकवर कंप्लीटली, क्योंकि गाइस डॉक्टर्स कह रहे हैं कि क्या होता है, आफ्टर इवन आफ्टर रिकवरी पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन देयर किडनी और लिवर में प्रॉब्लम आ रही थी, आई गेस क्लॉट्स बन रहे हैं, दैट्स आई रेड इन न्यूज पेपर, कि जो कोरोना से रिकवर हो गए ना उन लोगों में भी यू नो दे आर नॉट कंप्लीटली रिकवर, दे आर हैविंग सम फेसिंग सम चैलेंजेस कि क्लॉट्स आर फॉर्मिंग इन किडनी लिवर समथिंग लाइक दैट। एंड ऑब्वियसली इट विल टेक अप योर टाइम, यू आर हॉस्पिटलाइज फॉर से 30 यू नो 15 डेज और यू नो मोर देन दैट, then obviously you are source of spreading, you might infect your family members, okay, I don't want, you know, obviously you don't want to infect your family members, so that's why it is better to prevent, stay inside your home, wear mask and keep washing your hands. Now how can I prevent the disease? There are two ways, one is general, one is specific, hai na. First thing is preventing the exposure, okay, which we are doing right now by staying inside our home, hai na, we are preventing the exposure to the corona disease. Second thing is guys developing the immunity by taking vaccine. कोरोना के केस में अभी वैक्सीन बना नहीं है तो वी कैन नॉट टेक अ इम्यूनिटी, है ना, बट ऑब्वियसली यू नो वी फॉर अदर डिसीजेस, फॉर एग्जांपल यू नो क्या कहते हैं टेटनस के लिए देर इज अ डिस यू नो क्या कहते हैं वैक्सीन अवेलेबल, देर इज वैक्सीन अवेलेबल फॉर पोलियो, देर इज वैक्सीन अवेलेबल फॉर स्मॉल पॉक्स, है ना, तो वी कैन यूज वैक्सीन फॉर डेवलपिंग अ पर्टिकुलर इम्यूनिटी अगेंस्ट डिसीजेस। तभी आपने देखा होगा व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न इमीडिएटली ही और शी इज गिवन वैक्सीन शॉट्स, और बच्चों को रेगुलरली वैक्सीन की डोसेज मिलती रहती है। हाउ डू यू अवॉइड एक्सपोजर गाइस? एयरबॉर्न पैथोजन होंगे तो अवॉइड ओवर क्राउडेड एरिया, जैसे कि कोरोना के केसेस में कहा है। वाटरबॉर्न डिसीजेस, तो गाइस डोंट ड्रिंक फ्रॉम द रोड साइड, यू नो कई बार होता है ना बाहर से पानी पीते हैं, तो गाइस डोंट डू दैट, ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल एंड ड्रिंक सेफ वाटर एंड प्योर वाटर, डोंट ड्रिंक फ्रॉम द वाटर टैंक्स यू नो विच आर प्लेस्ड, यू नेवर नो कि कब वो साफ हुआ होता है, ठीक है। देन देर आर वैक्टर बॉन्ड डिसीज, जो कि मस्कीटो से फैलते हैं, तो हाउ कैन यू कंट्रोल दैम? बाई कीपिंग योर सराउंडिंग क्लीन्स, जैसे कि डेंगू, डेंगू फैलता है यू नो मस्कीटो से, तो यू शुड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। स्पेसिफिक मेथड जो मैंने बताया था इम्यूनिटी से, है ना, स्पेसिफिक मेथड क्या था? इम्यूनिटी डेवलप करना। हाउ डू यू डेवलप योर इम्यूनिटी? बाई वैक्सीनेशन। यस गाइज, अब स्पेसिफिक मेथड में गाइज आपने सुना होगा इम्यूनिटी कैसे डेवलप करते हैं? बाई वैक्सीनेशन, है ना। इम्यूनिटी, हाउ डू यू डेवलप द इम्यूनिटी? बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या होता है बेटा, कि वी इंट्रोड्यूस अ वीक पैथोजन, आपकी बॉडी में एक वीक पैथोजन इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसके आने से क्या होता है, द नंबर ऑफ WBC इन माई बॉडी इंक्रीज, क्या होता है, द नंबर ऑफ WBC इन माई बॉडी इंक्रीजेस। WBC क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, है ना। तो ऑब्वियसली, तो जैसे कि जैसे वो वीक पैथोजन आता है, जो नंबर ऑफ WBC इंक्रीज हो जाते हैं, तो वीक तो पैथोजन ऑलरेडी होता है, तो उसकी पिटाई कर देते हैं। बट अब क्या होता है, अब नाउ दे आर रेडी, माई बॉडी इज रेडी इन केस देर इज एक्चुअल अटैक, जैसे एक्चुअल अटैक, माई बॉडी विल एबल टू फाइट देम एंड डिफीट, दैट इज कॉल्ड एज गाइस इम्यूनिटी, है ना। यू वुड हैव हर्ड ऑफ इम्यूनाइजेशन, लाइक पोलियो, पोलियो वैक्सीन होता है। इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन इज गिविंग द वैक्सीन। देखो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। इम्यूनाइजेशन हम तब कहते हैं जब हम इंडिविजुअल के परस्पेक्टिव से बात कर रहे होते हैं कि आई एम गेटिंग इम्यून, गेटिंग इम्यूनिटी इज अ प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन इज गिविंग वैक्सीन टू डेवलप इम्यूनिटी, दैट इज वैक्सीनेशन। मतलब इट इज जस्ट द परस्पेक्टिव, किस तरह से देख रहे हो, ठीक है। जैसे कि पोलियो का वैक्सीन होता है ना, तो गाइस व्हाट डू दे गिव, इज दे गिव वीक पोलियो पैथोजन। तो वीक पोलियो पैथोजन आता है मेरी बॉडी में, तो मेरे में अलार्म बज जाता है, तो मेरे सारे WBC रेडी हो जाते हैं फाइट करने के, तो ये तो पोलियो वीक होता है, तो इसकी पिटाई कर देते हैं। बट नाउ माई बॉडी इज रेडी, दे नो कि भैया ये पोलियो आ सकता है दोबारा यहां से, तो दे आर ऑलवेज रेडी, एंड दैट इज हाउ माई इम्यूनिटी गोज अप। हेलो, इम्यून सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम फाइट्स द पैथोजन एंड
लेटर स्पेसिफिकली रिमेंबर्स इट. जैसे कि पहली बार जब पोलियो से फाइट करा तो मेरे WBC को पता है कि भैया पोलियो आ सकता है, तो नाउ दे विल रिमेंबर द अटैक एंड दे विल बी ऑलवेज रेडी फॉर इट. ओके, तो दे रिमेंबर माई इम्यून सिस्टम हैज अ मेमोरी टू किल द पैथोजन विच दे आर एक्सपोज वंस. ठीक है, तो यही सब कैसे होता है, जैसे कि टेटनस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, इन सब के अगेंस्ट वैक्सीन्स होती हैं. कैसे सम वैक्सीन्स आर फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, सम वैक्सीन्स यू नो आर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो डिपेंड करता है उसका इम्पैक्ट कौन सा हो और वैक्सीन कौन सा हम यूज कर रहे हैं. तो साइंटिस्ट ने बहुत सारा रिसर्च कर रखा है तो उसके बेसिस पर हमें पता चलता है. ठीक है, वेरी गुड. तो गाइज एज यू ऑल नो है ना, वेदांतु के प्रो स्टूडेंट्स बन जाओ जल्दी से एंड मेक यूज ऑफ ऑल द बेनिफिट्स विच वेदांतु इज प्रोवाइडिंग यू गाइज. ठीक है, यू आई कैन नॉट स्टॉप टेलिंग यू कि कितना बेनिफिशियल है गाइज. ठीक है, डोंट मिस आउट ऑन टाइम. ठीक है, डोंट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. गो राइट नाउ एंड परचेज द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन एंड गेट बेनिफिट ऑफ द लाइव क्लासेस वे ऑल योर डाउट्स विल बी सॉल्व. ठीक है, यहाँ पे भी आप ऑब्वियसली आपके डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे, आपको नोट्स भी मतलब मिल रहे होंगे इफ यू हैड मेड देम है ना. बट गाइस ऑन द वेदांतु का प्लेटफॉर्म यू विल गेट हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड यू नो प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नोट्स. पीरियोडिक टेस्ट होते हैं है ना. एंड गाइस द प्लेटफॉर्म इज टोटली डिफरेंट, उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेक्शन होता है हम लोगों का. देर आर क्विजेस ओवर देयर, आई कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन एंड यू कैन प्ले विद द क्विजेस. देयर इज अ लीडर बोर्ड, देयर इज अ रैंकिंग आफ्टर एवरी क्लास गाइस एंड व्हाट नॉट. ट्रस्ट मी, आवर स्टूडेंट्स एंजॉय इट है ना. आई होप यू जॉइन इन ओवर देयर एंड बी अ वेदांतु प्रो स्टूडेंट है ना. एंड गाइस यू कैन यूज दिस कोड टू गेट 15% डिस्काउंट. If you use AR Pro, as I have already told you, you can get a 15% discount. What you need to do is go to this link, hai na? Choose your grade, choose your board, CBSE or ICSE, hai na? And then you can choose your grade. And then guys, opt for a 1 month subscription, 3 months or a 6 month subscription. I would say 6 month subscription lena, you can save almost 400 rupees every month. That comes up to, you know, 2400 rupees. You can save every month. Theek hai guys? So on that note guys, what did we learn today? हमने पढ़ा कि how does disease attack a particular organ or a tissue? What are the principles of treatment? हमने देखा either I can, first thing is I'll reduce the effect of the disease. Second thing, I will kill the cause of the disease. Then हमने principles of prevention देखा. एक था general, that is avoiding the exposure, and then we saw about specific by vaccination or increasing the immunity by using vaccinations. Okay? Amazing guys, that is from my side. Okay guys, subscribe to the channel, like the video and share it with your friends, hai na. You can write to me at amrit.raj@vedantu.com, hai na guys. Keep smiling guys, I'll see you all in the next session. Till then, bye, have a great day.